सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपर फास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। दिल्ली में रामलीलाओं का मंचन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली की मशहूर विष्णु अवतार रामलीला ने भी अपना रामलीला का मंचन शुरू किया है। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी की इस बार की उपलब्धि है कि 180 फीट का मंच बनाया गया है। यह मंच 3 मंजिला बनाया गया है। इस बार मुरादाबाद के मशहूर कलाकारों के द्वारा रामकथा का मंचन किया जाएगा। रामलीला के उद्घाटन के अवसर पर सीलमपुर विधायक हाजी इशराक खान, पूर्व पार्षद रेखा रानी, चौधरी विजेंदर, डॉक्टर यू के चौधरी, उपाध्यक्ष भाजपा दिल्ली प्रदेश ओबीसी मोर्चा चौधरी नत्थू सिंह सहित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के चेयरमैन हरीश चौधरी, दिवाकर पांडे, विक्की प्रधान सहित सभी कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। कमेटी के पदाधिकारी यहाँ पर रहे और यदि हम आपको सुन रहे हो कृपया विशेष प्रकोष्ठ में जाके लीला का आनंद लें और लीला कमेटी पूरी यहाँ पर रहेगी। लीला कमेटी और सभी से मेरा निवेदन, कमेटी के जो पदाधिकारी गण से मेरा निवेदन, जो हमारे मेहमान हैं उनको विशेष प्रकोष्ठ जो बना हुआ है उसके अंदर उनको पूर्वी दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला है और वर्षों से चल रही है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है इसमें और जितने भी कलाकार हैं और जितने भी इसमें काम करने वाले लोग हैं मैं सबको स्वागत करता हूं उनका सबका और बहुत बधाई बधाई देता हूं। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया टीम है, बहुत अच्छी टीम है, इलाके में मौजूद आदमी है और मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सबका। रामलीला सब में बड़ी कमेटी है ये और सब में बजट का सबसे बड़ा बजट है इसका, बहुत अच्छी रामलीला है। विष्णु अवतार रामलीला पिछले 18 साल चल रही है, अब ये बड़ा रूप ले रही है। लोग हम जैसे लोग जुड़े हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं था लीला में क्योंकि जगह का सीमित जगह थी, सीमित साधन थे, अब साधन बढ़ चुके हैं और लोगों में आस्था बढ़ी है धर्म के प्रति, तो लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। दूसरा जगह बहुत है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है जमनबार में ऐसी लीला कहीं होने रही आसपास। क्यों? क्योंकि व्यवस्था यहाँ की जो है बहुत बड़ी व्यवस्था है और यह कार्यकर्ता हैं अनिश भाई हैं हमारे जी उपाध्यक्ष, लीला के उपाध्यक्ष हैं हरीश भाई, चेयरमैन है, ये इस तरह के लोग डिवोटेड लोग हैं जो खर्च कर रहे हैं जेब से, वो लोग हैं जुड़े हुए हैं। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी लगातार 18 वर्षों से शास्त्रीय पार में रामलीला का मंचन करती आ रही है। हमारा हमेशा से ये प्रयास होता है कि हर वर्ष दर्शकों को कुछ नया दिखाने की चिंता रहती है। इस वर्ष भी विष्णु अवतार रामलीला कमेटी ने 3 फ्लोर का मंच बनाया है जो कि जमुना पार में कभी किसी रामलीला कमेटी के द्वारा नहीं दिखाया जा रहा था। इस बार प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में बदलाव किया जाए, सिस्टम को ठीक किया जाए और 3 फ्लोर का मंच इस बार यहाँ का दर्शनीय स्थल होगा। ऐसा इस बार आपने क्या विशेष और के लोगों को आकर्षित किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए? देखिए व्यवस्था के मामले में हमने और ज़्यादा इस व्यवस्था में सुधार किया है और जो हमारा 3 फ्लोर का मंच है ये विशेष आकर्षण इस बार का रहने वाला है कि जो राम रावण युद्ध, बाली सुग्रीव युद्ध या जो लंका दहन होगा ये हमारे यहाँ विशेष आकर्षण रहने वाले हैं रामलीला कमेटी के इस वर्ष के। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा और रामलीला कमेटी ऐसे ही धन काम करते रहे, बहुत बढ़िया अच्छा लगा। इसमें आपको क्या अच्छा लगा, अच्छाई इसमें क्या लगा? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जो इन्होंने स्टेज बनाया इस बार बहुत अच्छा लगा, स्टेज ऊपर जो बना रखा है। अच्छा ऐसा क्या है कि आपको रामलीला मतलब देखने आना चाहिए, हर साल आप देखते हैं फिर भी इस बार आ रहे हैं, इसका क्या कारण? एक तो ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है और सेकेंडरी है, इसमें कुछ नया नया देखने को मिलता है, नई नई चीज़ें देखने को मिलती है।